Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Hello dear students from class 6. आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से. ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8 तक और इसको बताया था कैसे सॉल्व किया जाएगा. अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ए गर्ल टेक थ्री राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क. एक लड़की है जो एक रेक्टेंगुलर पार्क का 3 चक्कर मारती है. ठीक है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ट्रैक आर 79 मीटर एंड 45 मीटर. लेंथ दिया है 79 मीटर और ब्रेथ दिया है 45 मीटर. ओके, तो ये कह रहा है कि 3 राउंड में कवर्ड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दिया गया है, लेंथ दिया है 79 मीटर, ब्रेथ दिया है 45 मीटर. ओके, यहाँ से पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालें. देखिए क्वेश्चन में जो दिया है वो हम यहाँ सिंपली राइट कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा किसका कहा है चक्कर मारने के लिए, रेक्टेंगुलर पार्क का ना, तो हम पेरीमीटर रेक्टेंगल का लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये होता है 2 × L + B. ओके, पेरीमीटर फाइंड करना है, 2, एल की वैल्यू दिया है 79 प्लस बी की वैल्यू है 45. पी इक्वल टू 279 प्लस 45, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 124. पी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 248 मीटर. ओके, ये आ गया पेरी मीटर. ये कितने का हो गया, 1 राउंड का. तो इसलिए निकालेंगे कवर्ड डिस्टेंस इन 3 राउंड इक्वल टू 3 × कितना आया है उनका, 248 मीटर. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 744 मीटर. ओके, ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1.46 मीटर एंड इट्स विथ इज 0.32 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इन मीटर. देखिए पेरीमीटर दिया है, विथ दिया है, तो लेंथ इसका फाइंड करना. फार्मूला में वैल्यू रखिए, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, पी इक्वल टू 2 L + B. L दिया गया है, B की वैल्यू फाइंड करना है और पेरीमीटर भी दिया है. ठीक है, तो वहां से सॉल्व करके आप विथ लेंथ पूछा ना, तो लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पार्क दैट इज 63 मीटर लॉन्ग एंड 27 मीटर वाइड. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क विथ ए स्टील वायर इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज 5 रुपीज पर मीटर. एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है. ओके, वहां पर उसका जो लेंथ है 63 मीटर है, विथ 27 मीटर है. तो सबसे पहले इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे. पेरीमीटर फाइंड करने के बाद उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ दिया गया है, लेंथ है 63 मीटर एंड विथ है इसका 27 मीटर. तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल का, 2 L + V. वैल्यू पुट करेंगे, 2 L की वैल्यू 63 प्लस 27 मीटर, ये हो गया 90, 92 जा 180 मीटर. ये आ गया पेरीमीटर. ओके, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड कीजिएगा, उसके बाद जो कॉस्ट दिया है तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इसकी वैल्यू हो जाएगी जितना दिया है उतने में 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे. 18 × 5 = 90, ये हो गया टोटल 900 रुपीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, ओके, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, तो स्क्वायर का साइड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है, जो दिया हम वही राइट कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला हम यहां पर राइट करेंगे, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू इट्स साइड इक्वल टू रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। जो वैल्यू दिया गया है, एल की वैल्यू दिया है 15, एल की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 55 प्लस विथ की 35 मीटर, और यहां से हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए आ जाएगा यहां से 92 जा 180 अपान 4, इसे कट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 45 मीटर, ए स्क्वायर का जो साइड आया है 45 मीटर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट इफ द रेट ऑफ फेंसिंग 2.5 रुपीज पर मीटर। सबसे पहले जो दिया गया है, लेंथ ब्रेथ दिया है, इससे आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, पेरीमीटर जितना आएगा उसमें से कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 20 मीटर विथ 2.5 टाइम इट्स लेंथ, कह रहा है लेंथ दिया है फील्ड का 20 मीटर और ब्रेथ जो इसका है लेंथ का 2/5 है, ठीक है, तो फेंसिंग का यहां पर कॉस्ट पूछा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ दिया है 20 मीटर, इसका विथ जो दिया है 2/5 इंटू इट्स लेंथ, ये आ गया टोटल 8 मीटर, लेंथ आ गया 20 मीटर, विथ आ गया 2/5 ऑफ लेंथ, लेंथ का 2/5, तो यहां से सॉल्व करेंगे 8 मीटर आएगा, ओके। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, P इक्वल टू 2 एल प्लस बी, किसका फार्मूला है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, एल की वैल्यू है 20 प्लस बी की वैल्यू है 8, यहां से आ गया 28 टू जो 56 मीटर, यहां से 56 मीटर आ गया। अब फेंसिंग का कॉस्ट हमें पता करना ना, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यहां से हो जाएगा 1.25 इंटू 56 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 70 रुपीज, ये है आंसर, ओके। यहां से पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए जितना आया उसमें से जितना दिया गया रेट उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सो हम रन अराउंड स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 40 मीटर व्हाइल साहिल रन अराउंड रेगुलर हेक्सागोनल फील्ड ऑफ साइड 40 मीटर फाइंड आउट हु हैव कवर्ड ए ग्रेटर डिस्टेंस बाई एंड बाई हाउ मच। देखिए इस क्वेश्चन का जो मीन्स है, कहता है सोहम एक स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगाता है जिसका साइड 40 मीटर है, और साहिल जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल का चक्कर लगाता है जिसका साइड 40 मीटर है, ये बताइए किसने ज्यादा दूरी तय किया और कितना तय किया। तो सबसे पहले आइए सॉल्व करते इसको, यहां पर हम लिखेंगे सोहम कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस, सो हमने कितना कवर डिस्टेंस कवर किया, इसको निकालने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा किसका, स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर का ही राउंड मारते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू इट्स साइड, तो हो गया 4 इंटू 40 इक्वल टू 160 मीटर, सो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया 160 मीटर।
अब बात किसकी आती है, साहिल। तो साहिल कवर्ड डिस्टेंस, साहिल ने क्या कवर किया है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल फील्ड। तो यहां से पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सा यानी सिक्स, सिक्स टाइम इट्स साइड। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स फोर या 24 यानी कि 240 मीटर आ गया, दिखाई दे रहा है। सो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया और साहिल ने कितना कवर किया, तो इसका हम दिखाएंगे यहाँ पर। सो हिम कवर डिस्टेंस 160 मीटर, साहिल कवर डिस्टेंस 240 मीटर। ओके, यहाँ से जो हम यहाँ से निकालेंगे इसका फाइनल रिजल्ट, लिखेंगे साहिल साहिल कवर्ड मोर डिस्टेंस, साहिल कवर्ड मोर डिस्टेंस देन सोहम, साहिल ने सोहम की अपेक्षा अधिक दूरी तय किया, एंड कि दूरी कितना है, एंड 80 मीटर मोर कवर डिस्टेंस, साहिल ने सोहम की अपेक्षा अधिक दूरी तय किया, और कितना अधिक तय किया, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80 मीटर। ओके, ये है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन एंड इरेगुलर हेक्सागॉन इफ पेरीमीटर ऑफ बोथ आर 240 मीटर। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, कह रहा है रेगुलर पेंटागॉन और रेगुलर हेक्सागॉन दोनों का पेरीमीटर दिया है इतना, तो इसका साइड फाइंड करना है। मैंने फार्मूला बताया था एक, इसका साइड निकालने के लिए पेरीमीटर में पेंटागॉन में 5 से हेक्सागॉन में 6 से डिवाइड करना है। क्लियर है, क्या करना है, रेगुलर पेंटागॉन का ईच साइड निकालने के लिए लिखिएगा ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागॉन इक्वल टू 240 मीटर अपॉन 5। सॉल्व कीजिएगा उसी तरह से, रेगुलर हेक्सागॉन का निकालिएगा 240 मीटर पे 6 से डिवाइड करके, जो आएगा दो आंसर आएगा, एक पेंटागॉन का एक हेक्सागॉन का, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट 17, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 160 मीटर इज बेंट टू फ्रॉम ए, एक 160 मीटर का वायर है जिसे हमें पेंटागॉन में बेंट करना, लपेटना है, स्क्वायर में लपेटना है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो बताइए कि इसका पेरीमीटर फाइंड करना, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, साइड दिया है 160 मीटर, तो पेंटागॉन का, स्क्वायर का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तीनों का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है पहला पार्ट, यहां से दूसरा पार्ट, यहां से तीसरा पार्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम, पेंटागॉन, इधर स्क्वायर की, और यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेंटागॉन का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 5 इंटू ए होता है, 5 गुणा और उसके भुजा के, ठीक है। और स्क्वायर का क्या होता है पेरीमीटर, 4 इंटू इट्स साइड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये होता है 3 ए, ठीक है। इसका जो दिया गया है 160 मीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर निकालेंगे 5 इंटू 160 इज इक्वल टू 16 × 5 = 80, ये हो गया 800 मीटर इसका पेरीमीटर। और नेक्स्ट 4 इंटू 160 इज इक्वल टू 16 × 4 = 6400 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 160, 16 × 3 = 48 मीटर, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। देखिए पेंटागॉन का पेरीमीटर ये हुआ, स्क्वायर का पेरीमीटर और
इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यही इसमें फाइंड करना था और इसको सॉल्व भी कर दिया गया है। ओके बुक देखते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से 17 तक सॉल्व कराया है। 2-3 क्वेश्चन को मैंने दिया है आपको सॉल्व करने के लिए। ओके इसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके तब तक जितना पढ़ाया गया है पीछे से उसको रिविजन करते रहिएगा और जो पढ़ रहे हैं उसको तो सॉल्व ही कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।